स्कूल कॉलेज कोचिंग दोबारा कब तक खुलेंगे इसको लेकर केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों के संपर्क में, जल्दी एनसीटी करेगा नई गाइडलाइन जारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शिक्षा संबंधित हर न्यूज पाने के लिए अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, कौन से राज्य के स्कूल कॉलेज या कोचिंग खोलने को लेकर आप इंतजार कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। साथ दोस्तों, आपकी क्या राय इस कोरोना संकट के बीच? भारत में लगातार कोरोना के संक्रमण के केसेस बढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेज या कोचिंग सरकार को खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? जो भी दोस्तों आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। लगातार दोस्तों केंद्र सरकार राज्य सरकारों के संपर्क में है, साथ ही राज्य सरकारें हैं वो जल्द ही वहां जहां कंटेनमेंट जोन नहीं है, जहां कोरोना संक्रमण के केसेस पिछले दिनों से नहीं आए हैं, वहां दोस्तों 1 अगस्त से आपके स्कूल कॉलेज और कोचिंग सरकार खोल सकती है। इसको लेकर एनसीटी आपकी नई गाइडलाइन है वो तैयार कर रही है। 1 अगस्त तक दोस्तों आपके स्कूल कॉलेज है वो मैक्सिमम राज्यों में खोले जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी आपके कंटेनमेंट जोन है उनमें अभी स्कूल कॉलेज है वो सितंबर अक्टूबर तक भी नहीं खुलेंगे, क्योंकि दोस्तों दिल्ली मुंबई सहित ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां लगातार कोरोना के केसेज हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, साथ ही भारत में 25,000 से 30,000 केसेज आ रहे हैं। तो सरकार इस पर लगातार है विचार विमर्श कर रही है, साथ ही राज्य सरकारों के संपर्क में है, वो सारे जोनों का अध्ययन किया जा रहा है जहां पिछले दिनों आपके कोरोना के केसेज नहीं आ रहे। वही दोस्तों सीबीएसई ने एक बड़ा फैसला लिया है, सीबीएसई ने फैसला लिया है कि आपका जो भी सिलेबस है उसमें बड़ी कटौती है वो सरकार करने जारी है। इसके अलावा दोस्तों यूजीसी के द्वारा आपका नई गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है। यानी दोस्तों जो भी जहां कंटेनमेंट जोन नहीं है वहां आपके कॉलेजों के जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी एग्जाम अगस्त या सितंबर में सरकार करवाए। दोस्तों इस पे क्या आपकी राय है, स्कूल और कॉलेजों को खोलना चाहिए या इनकी एग्जाम करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? क्योंकि लगातार दोस्तों कई देशों से ये खबरें आ रही हैं कि जहां स्कूल खोले गए वहां लगातार बच्चे संक्रमित हो चुके हैं, उसकी वजह से वहां कोरोना को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। क्योंकि दोस्तों जो भी बच्चे हैं अगर एक में कोरोना संक्रमित हो जाता है तो बहुत सारी ऐसी स्कूलों में कॉलेजों में चीज़ें होती हैं जिसे कोरोना संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है। तो सरकार इसके लिए ही आपकी सचेत है, साथ ही सरकार भी चाहती है कि जो भी बच्चे हैं उनकी पढ़ाई है वो डिस्टर्ब ना हो। परंतु दोस्तों इस कोरोना संकट की घड़ी में सरकार को ये फैसला लेने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। अगर कहीं भी किसी भी जगह कोरोना फैल जाता तो सीधी बात सरकार पर आती है। दोस्तों ये थी लेटेस्ट खबर, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई लेटेस्ट खबर के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।